निकलने के बाद में तुम्हें करना क्या होगा? क्या करना होगा? लोगों ने सही कहा है यार, बातों बातों में समय हो गया, लेकिन तुम्हारा लाडला देवर, देवर नहीं बल तुम्हारा बेटा कहाँ है इस वक्त? अरे इसमें इंतजार करने की बहुत इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा है। हाँ तैयार हो रहा है। क्या करते हो? आता होगा। हाँ चलो बैठो। हाँ नौकर कुर्सी लेकर के आओ। भैया और भाभी मैं आप लोगों से आज कुछ कहना चाहता हूँ। और भैया भाभी के चरण आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। अरे क्यों नहीं भैया। और खूब पढ़ो, उन्नति करो। अजय और खूब पढ़ो, उन्नति करो। अरे मेरा कम से कम अपना ख्याल कीजिए। कॉलेज जाओगे और तुम्हें ये पता है मिट्टी धूल देखो कितनी कपड़ों में लगी हुई है। अभी बात में तो मालूम होना चाहिए खेलने कूदने में थोड़ी बहुत तो मिट्टी बुद्धू हो क्या? जो संसार में पढ़ता लिखता है उसी का नाम होता है संसार में, और जो खेलता कूदता है उसका नाम नहीं होता है, वो जाहिल कहा जाता है। और जानते हो ये बात तुम्हारे भैया देखेंगे सुनेंगे तो आते ही थे हमारे ऊपर बरसने लगेंगे। और क्या, आखिर मैं तुम्हारे सहारे रहता हूँ तो तुम्हारे कभी तो कहती हूँ देवर तुमको दे रही। खुश रहो संसार।
भी आ गए, हमारे भैया देश राज यही करने वाले, ये आप लोगों के सिर पर खुश होकर रहे, धन्यवाद। देखो एक महीना दस दिन के बाद तुम्हारे भैया आए हुए, ये तो बात सच है। और जानते हो आते ही आते तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, अगर अपनी भाभी माँ की नाक मत कटने देना, अगर जो जो सच सच आपसे पूछे बताते ही जाना। अरे अजय भाभी देवर में क्या खुशबू हो रही है यार। कुछ नहीं भैया। चलो चलो, तुम हर वक्त सकी किया करते हो, तुम्हें हटो साइड में, तुम पुलिस वाले ऐसे हरदम सब किया करते हो। चलो हटो भैया से इस तरीके से अजय अजय आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे भाई? तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ कि सर तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया हुआ है और किस श्रेणी में आप पास हुए हैं। क्या जानना? हाँ बस इतनी ही बात जानना चाहते। जी हाँ। और करो राज्य दिल साफ साफ बताना। बिल्कुल साफ बताऊंगा भैया। और करो राज्य दिल और आज इतनी छोटी सी बात जानना चाहते हो मेरे भाई, तो मैं आपको उससे बताऊंगा, अगर आपसे नहीं बताऊंगा तो मैं किससे बताऊंगा। तो बोलो भैया, सुनो इस साल तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया हुआ है, किस श्रेणी में पास हुई। हेलो, ये आ गया हमारे भाई सतीश राज, यहीं के रहने वाले, ये 501 में पार्टी में बताते हैं। धन्यवाद मेरे भाई, जानना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा भैया। तो पढ़ाई किया मेहनत करते रहो। मैं क्या सोचता मेरे भाई, तुम तो जानते हो जब से मेरे माता पिता मुझे बचपन में छोड़कर, सच है तब से आप ही दोनों का तुम्हारी माँ मेरी माता माता का प्यार तुम्हारी बड़ी भाभी ने दिया है, सच कहते हो, और पिता का प्यार मैंने दिया है। अजय जानते हो मैं क्या सोचता हूँ कि आज के दिन तुम्हारा बड़ा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है, कोई मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरा भाई एक सीओ की पोस्ट में आ जाए। अरे भैया अगर तुम दोनों का इसी तरीके से मुझ पे साया बना रहा तो मैं वादा करता हूँ इसी जिला गाजियाबाद के अंदर एक दिन आप लोगों के सामने पुलिस कप्तान बनकर जरूर दिखाऊंगा। मेरा देवर मेरी कभी नाक नहीं कटवाएगा। हाँ और सुनो तो, तुम यही बकबक करते रहोगे, घड़ी का टाइम देखा है कै बज रहा है? टाइम तो हो चुका है कॉलेज का। तुम्हारी बहुत खिंचाई करूंगी, तुम्हारे भैया आ गए तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं है। नहीं हाँ, और क्या, इसीलिए तो मैं आपसे कुछ आज कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि आज एक महीना दस दिन इस जिला गाजियाबाद के अंदर मुझे और तुम्हें हो गए है ना, कॉलेज जाओ। हाँ और मैं कॉलेज जाते जाते जानती हूँ मैं बहुत बोर हो चुका। बोर हो चुके हाँ, इसीलिए
इसलिए मैं आज सोचता हूँ मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, जानते हो आज मैं कॉलेज नहीं। इधर इधर तुम्हारे कान इस तरीके से खींचूंगी कि कभी सोचा नहीं होगा कि भाभी मानी जो है हमारे कान खिंचाई किया थे। भाभी माँ तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें पता है एक महीना 10 दिन के बाद आए हैं और जानते हो वहाँ कितना लपड़ा हो जाता है, कितना इधर उधर घूमते रहते हैं, दिमाग कितना खराब रहता है, जानते हो आज 1 महीना 10 दिन हुए हैं और इतना मैं पढ़ते बोर हो गया। तुम तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो और वो तो वहाँ से गुस्से में आए हैं, तुम्हें पता है। बात को मैंने अच्छी तरीके से अभी देखा तक नहीं है, जानती हो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, बल्कि आज जिला गाजियाबाद को शॉपिंग करने के लिए मैं जरूर जाऊँगा। शॉपिंग करने के लिए जाओगी ना, और जानते हो तुम्हारे भैया, अगर हमने तुम्हारे भैया से ये बात बताई तो जानते हो आते ही वो आते ही आते हमारे पर बरसने लगे। अरे भैया इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये बात खुद जाकर भैया से कहो, अगर मैं कहूँगा तो मुझे डांटेंगे। ना बताना मेरी तौबा, मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आते ही आते मुझसे वैसे ही नाराज है। हाँ अगर ये बात तुम जाकर भैया से नहीं कहोगी तो जानती हो मैं तुमसे इतना नाराज हो जाऊंगा और इतनी दूर चला जाऊंगा। तुम नाराज और दूर जाने की बात क्यों करने लगते हो? आखिर मुझे गाजियाबाद जाने नहीं, तो मैं गाजियाबाद में कैसे जाने गए, यहाँ के कैसे लोग हैं। हेलो 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 और खोलो मैं हेलो। कहती हूँ कि तुम मान नहीं रहे हो हमारा कहना, जानते हो यहाँ जाओगे ना जिला गाजियाबाद में, यहाँ बहुत लफंगे लड़के रहते तुम्हें बिगाड़ क्या मतलब है। हाँ अपने रास्ते जाऊँगा अपने रास्ते आऊँगा, जानते हो क्या मतलब? ये लोग तो यही सोचते हैं कब ये निकले और हम बिगाड़ करके रखते हैं। और क्या इन लोगों की संगत नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे बिगाड़ कैसे देंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम बैठो और हम तुम्हारे भैया से बात करते हैं, ठीक है। सुनिए सुनिए आप ही से कह रही हूँ, आप ही से कह रही हूँ। अरे कम से कम ड्यूटी करने के लिए जाते हो तो? हाँ कम से कम थोड़ा बहुत अपना ख्याल कीजिए। क्या की लगा रखे हो? की करोगे जब मैं कुछ कहती हूँ तो तुम की करने लगते हो। बोलो कहना क्या चाहती हो? देखो कितने दुबले पतले हो चुके हो, कम से कम हेमोग्लोबिन टानी कानिक ले लो पिया। अरे डाकू ने नाक में दम कर रखा है, अब डाकू के पीछे पीछे घूमोगे जाकर। मेरी कभी कभी सेहत बिगड़ जाती है, यहाँ ना बटनों का ख्याल और ना किसी चीज का ख्याल। देखो गरम बहुत हो रहा है। देखो ये देखो, कहती हूँ स्वामी एक बात कहूँ, कहती हूँ स्वामी आज आज देखो जिला गाजियाबाद में आए हुए हैं, 1 महीना 10 दिन हो गए ना, हम ना कहीं घूमने के लिए गए और न टहलने के लिए गए, है ना। और देखो इंसान पढ़ाई करते करते कितना बोर हो जाता है स्वामी, है ना, इसीलिए आज आज अजय पढ़ाई करने के लिए कॉलेज को नहीं जाएगा, आज वो शॉपिंग करने के लिए जाएगा। अरे भाई
ये ग्रंथ में नहीं मालूम, उसके पढ़ाई करने का समय, टहलने और घूमने का समय नहीं है, ये तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। मैं इजाजत नहीं दे सकता और उसे काले जल्दी से भेजो अभी जनाब। अब वहां का गुस्सा लेकर के आए और हमारे ऊपर बरस नहीं लगे, देख रहे हैं आप? हाँ, तभी तो कहती हूँ शादी मुझसे किया और नैना कहीं और लड़ाते होगे, तभी तो हमारा ये हमारी याद नहीं। अपने लाले को इतना सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो एक दिन ही बिगड़ जाएगा। प्लीज मान जाओ ना, एक दिन में क्या हो जाएगा, कुछ बन बिगड़ जाएगा क्या? मान जाओ यार, तुमसे मजबूर हो जाता हूँ। अरे मोती क्यों हो, फिर मान जाओ ना। दे रहा हूँ इजाजत अजय। आज मैं तुम्हारा मूड जान चुका हूँ जी भैया। क्यों झोपड़ी करना चाहते हो? हाँ भैया, लेकिन ये तुम्हारे पढ़ने लिखने का समय है, टहलने घूमने का नहीं। अगर इसी तरीके से टहलोगे झोपड़ी करोगे तो समय निकल जाएगा। आज मेरा मूड ही कह रहा है। अगर तुम्हारा मूड कहता है तो जाओ शौक से, और ये ध्यान रखना मेरी बात को। एक बात याद रखना। कौन सी बात मेरे भाई? कोई गलत काम मत करना। नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। नहीं, अपना कदम कोई गलत जगह पर मत रखना, नहीं होकर मजबूर होकर तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डालना पड़ेगा। अरे भैया, ऐसा मैं कोई काम जिला गाजियाबाद के अंदर नहीं करूंगा जो आपको मजबूरन होकर मेरे हाथों में हथकड़ी लगाना पड़े। लो अजय, ये तुम्हारे पॉकेट का खर्च है। मेरे भैया ने मुझे 500 रुपए गाजियाबाद मतलब शॉपिंग करने के लिए दिए हैं। अरे बुद्धू, कहीं के 500 रुपए में होगा क्या? कितना महंगाई का जमाना है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या शॉपिंग करोगे, तुम्हें पता है? तुम्हें पता नहीं, ये पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, हमको मालूम है अच्छी तरीके। जानते हो ये जब जब इन लोगों की ड्यूटी लगती है ना, अरे रोड के ऊपर, रोड के ऊपर और ट्रक वाले जा रहे हैं और ये डंडा पीट रहे, रोको 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 रोको, जानते हो बुद्धू कहीं के? और ये समझते हैं कि 500 का नोट थमा दिया, और जानते हो वो 5 का नोट पकड़ाया और इसे पकड़ के रख दिया। हेलो, हाँ, और जानते हो ट्रक वाला लेकर के गया और ये बाद में देखते हैं तो दुद्धू पकड़ के रह जाते हैं। पुलिस वालों का यही काम होता है। फिक्र ना करो, जब तक तुम्हारी भाभी माँ जिंदा है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। ये कंजूस के कंजूस ही रहेंगे, मक्खी चूस है हम जानते हैं। अभी माँ जिंदा है, मुझे कोई चिंता करने की। अब क्या है? ये 500 रुपए लो और इसकी सोपी को, और ये 500 रुपए में गोलगप्पे खाना, चौमीन खाना, मोमोस खाना, सब कुछ खाना। अच्छा, और जल्दी खा पी करके जल्दी टहल करके आना, और किसी लड़के के साथ में घूमने नहीं जाना। जानते हो ये लोग सोचते हैं कि बिगाड़ करके इधर अकेले जाना। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी माँ, आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी निर्दयी हो। देखो ये अभी से गोली दिखा रहे हैं भाभी माँ, इसलिए मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। भाभी माँ, तुम कितनी अच्छी है, भाभी आप कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है।
भाभी माँ, अब तो मेरा शॉपिंग करने का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। ओके। जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? ये चाहता हूँ भाभी, और इजाजत दीजिए भाभी, भाभी आपसे आज मैं इजाजत लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जिला गाजियाबाद को शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। चलो, अब यही तो कह रहे थे कि यहीं खड़े रहोगे। खड़े नहीं, मेरी ड्यूटी का समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। पर हमने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा, आलू के पराठे बनाए, तो क्या मैं अकेली खाऊंगी? मैं ले जाकर आलू के पराठे बना के रखी हूँ। हेलो, तुमसे मिलकर ना जाने नमस्कार नौकर मालिक, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, आज ठाकुर साहब ने क्या आदेश दिया था कि जाओ अगर किसान की सारी फसल को जलाकर खाक कर दो। बताओ चले गए, एक एक दाने से मोहताज हो गया और आदेश किया दिया था। उसके बाद तुम्हें क्या कहना होगा कि अमरूद किसान की वहां तुरंत पैसे का तगादा करोगे। सही बात कहते हो, तो एक काम कहना होगा। कहिए मालिक, सुनो हमारी बात। कहिए, और उठाओ हंटर और हाथ में और चलो हमारे साथ, उठाओ हंटर हाथ में और चलो हमारे साथ, और कर्ज वसूली और के लिए
बड़े थके हैं, अब बैठी बात अले हमारी बच्चिया ये कुछ नहीं कह। अरे अरे ओ अगलो हमारे कुवारिया कुत्ती खेलो तुम्हारी माइयो नहीं बोली है तुझे मार डाली भाग जाए हो माली जो सा गरिया रहा कर भोसड़ी कुत्ती द्वारे में चला गा माइयो की तुम्हारी माइयो की पूरी हमारे द्वार कुत्ती डंडा खेले गए कान तो मरो जाए तुम्हारे द्वार लाई नहीं का जो तुम का बताए। अरे हमार तबीयत ना ठीक है हम तुम का बताए देते हैं। हां मालिक नौकर का कहा था सुने मालिक कुछ गरिया ऐसा रहा है आवाज लगाया तो छूट में गाली दे रहा है। कहा बहुत सारी हमारे द्वारा गुच्ची ना खेला तो मारा बता रहा है कि हमारी तबीयत खराब है। हाँ गुच्ची डंडा खेलना है तो अपने दरवाजे पे मरो। हाँ मालिक हाँ और हमें तुम्हें गाली दे रहा है। हाँ मालिक ये गाली नहीं दे रहा है इसकी आज मौत आ गई है। सही कहते हो मालिक पैगाम पढ़ाओ ये साले हैं कुत्ता। अभी तो बैठा था अब मालिक देखो इस पर सो रहा और हमें तुम्हें आते हुए साला सो गया। सो गया मालिक ये नहीं सोया है किस्मत सो गई है आवाज लगाओ।